नमस्कार दोस्तों, माय टेक की सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इंस्टाग्राम रील पे अगर आपको हैशटैग ढूंढने, मतलब कोई आपका समझे कि कोई कैटेगरी का इंस्टाग्राम रील आप क्रिएट कर चुके हो, लेकिन जब आप अपलोड करोगे तो विदाउट हैशटैग के आप उसे अपलोड करते हो, तो इसकी वजह से आपके जो है रील पर व्यूज़ ज़्यादा नहीं बढ़ते और आपका जो इंस्टाग्राम आपकी रीच नहीं बढ़ाता। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, आपको अगर इंस्टाग्राम की रील अपलोड करनी है तो समझे किसी भी कैटेगरी की रील हो, उसे अपलोड करते समय उसके रिलेटेड हैशटैग आप कहाँ से ढूंढोगे, कहाँ से लाओगे, कहाँ से सर्च करोगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आगे भी आते रहेंगे। तो गाइस, इसके लिए आपको बस बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख कर इसे फॉलो करना है। तो गाइस, आपको जो है इंस्टाग्राम रील किस कैटेगरी की है पहले ढूंढ लेना है, मतलब समझिए कि आपने एटीट्यूड की कैटेगरी आपकी है, उससे रिलेटेड आपने रील क्रिएट किया, उसे शूट किया। लेकिन अपलोड करते समय आपको बस एक काम करना है, आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एटीट्यूड रील हैशटैग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एटीट्यूड रील हैशटैग। तो जैसे आप एटीट्यूड रील हैशटैग डालोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, besthashtag.com का एक वेबसाइट है, उसके रिलेटेड फर्स्ट में ही आएगा जब हैशटैग आप सर्च करोगे। तो गाइस, यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर कुछ कोटा आपको मिल चुका है, एटीट्यूड कोटास, एटीट्यूड से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इतने आप अपने ध्यान से नहीं लगा सकते, आपके मन से इसे आप वहाँ पर टाइप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ से अगर आप, मतलब यहाँ से कॉपी करने का भी सिंपल तरीका है, कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। सीधा इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर टेक्स्ट आपके कॉपी हो जाएंगे। तो गाइस, सीधा इसको आप कॉपी करके वहाँ पेस्ट करोगे, इतने आप मन में सोच नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आकर आप बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। तो गाइस, इसको बस जाना है आपको, आपके किसी भी मतलब इंस्टाग्राम रील पर जाकर आप सीधा उसे पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको नोट के ऊपर पेस्ट करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर नोट पे आपको सीधा पेस्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हैशटैग लग जाएंगे। तो उसके साथ इसी तरीके से आप और भी कैटेगरी के स्टेटस, मतलब टेक्स्ट आप ढूंढ सकते हो, हैशटैग ढूंढ सकते हो। तो समझे कि और एक हैशटैग मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सीधा फिर से आपको क्रोम पे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है फनी रील हैशटैग। तो चलिए, फनी रील हैशटैग जैसे करोगे तो besthashtag.com का ही यहाँ पर पेज आ चुका है। तो इस पर क्लिक करना है, कितने परसेंट ये वर्क कर रहा है ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फनी वीडियोस, फनी मेम्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। इस पर सीधा आपको कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके कर देना है और यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी हो चुका है, जस्ट आपको कॉपी करना है। और जब आप रील अपलोड करोगे तो सीधा आपके जो अबाउट का जो सेक्शन होता है वहाँ पर आपको इसे बस पेस्ट कर देना है। इसकी वजह से यहाँ पर आपको जहाँ पर भी इसे इसके रिलेटेड रील चलेंगे उसके सजेशन में आपकी रील आ जाएगी और इससे आपका वीडियो की रीच बढ़ेगी, उसी के साथ आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। तो वैसे यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपको बताया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।